एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और ताकि जो ये वीडियो है पीड़ित पक्ष की, जो हमें न्याय की गुहार लगाई है, ये ऊपर सरकार के जो अफसर आला अधिकारी है उनके पास जाए। और इतना शेयर करो, इसको इतना शेयर कर दो कि पुलिस प्रशासन मजबूर हो जाए कार्रवाई करने के लिए। दोबारा से मैं एनजी न्यूज़ को बार बार मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ नरवाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, नरवाना का सदर थाना पहुँचे हैं, और सदर थाना में क्या मामला आया है, एक दहेज का मामला सामने आया है, जिसको लेकर एक लड़की माजरा गांव से नरवाना के दणोदा गांव में शादी की गई थी, और 18 तारीख को उसकी हत्या की गई है। मामला बताया जा रहा है इनके घर वालों की तरफ से कि उसको दहेज के मामले में उसको मारा गया है, और उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इनके घर वालों को गिरफ्तारी नहीं की है, जिन व्यक्तियों ने इसकी हत्या की है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, पुलिस प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही इनकी गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन को कई बार शिकायत दे चुके हैं हम, तो आज माजरा के जो पंचायत पूरी की पूरी सदर थाना में पहुँची हैं, इनसे एक बार बात करेंगे पूरा मामला क्या है, और पूरी बात जानेंगे और किस प्रकार से हत्या हुई, कैसे कैसे ये घटना घटी। तो चलते हैं और करते हैं वहाँ बात। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हत्यारों को गिरफ्तार करो, हत्यारों को गिरफ्तार करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हत्यारों को गिरफ्तार करो। दोस्तों, प्याऊ माजरा से पंचायत आई है, 18 तारीख को जिस प्रकार से दहेज मामले में हत्या हुई थी उसको लेकर आज यहाँ पर सदर थाना में, नरवाना के सदर थाना में पंचायत आई है, पंचायत विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो इनसे बात करते हैं किस प्रकार से घटना घटी और क्या चाहते हैं। हमारे साथ पंचायत प्याऊ माजरा से सरपंच जी हैं, इनसे बात करते हैं किस प्रकार से घटना घटी और क्या समाधान चाहते हो। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसे, क्या घटना घटी थी ये? सर घटना 18 तारीख को दनौदा में हमारी सिस्टर है, वो शादी की कर रखी थी, और किन कारणों से भाई, जो भी कारण रहे हैं, मारी है या जो भी सिस्टम बनाया, अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है जी। 8 बंदों पर FIR दर्ज है। अच्छा जी। हम काफ़ी वेट करके, पहले भी 2-4 बार मिले हम आकर के, और फिर लास्ट में हमने ये सोचा है भाई धरना प्रदर्शन के लिए हम बैठेंगे यहाँ पे, और अगर आज नहीं माने तो कल फिर एक या दो बस भर के यहाँ पर हम। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या बोला गया? पुलिस प्रशासन की तरफ से आश्वासन दे रहे हैं बस जी। अच्छा जी। किसी पहले आपने लिखित रूप में दिया कोई शिकायत वगैरह? लिखित रूप में FIR दर्ज है जी। अच्छा जी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। सर जिस प्रकार से हत्या हुई है और आप कह रहे हो जी ये दोषी है, गिरफ्तारी नहीं हो रही, क्या क्या चाहते हो अभी इसके बारे में? सर हम ये चाहते हैं कि जो 8 दोषी आदमी हैं जी, सर उसमें सास है, ससुर है, ननंद है, देवर है, जो भी है, आठों के आठों जिनके बाई नेम FIR लॉज है, हम ये चाहते हैं कि उनके आठों के आठों गिरफ्तारी हो। अच्छा। क्योंकि लड़की शादी से ही और जब तक गुजरी है उस दौरान बहुत ही तंगी से और कष्टी से उसने 6 महीने या 5 महीने जो भी टाइम पास किया, बहुत मुश्किल से किया है। दूसरी बात यह है कि जब भी हमने वहाँ जाके मौका देखा था, उस दिन जो लड़की है वो कह रहे थे कि वह फांसी खुद लगाई है, वो बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने लड़की खुद मारी है। तो वो जो वहाँ पे मौका जो सबूत देखे गए थे, वो ऐसा एक भी सबूत ऐसा नहीं लग रहा था कि लड़की ने खुद फांसी लगाई हो। तो इसलिए हम तो प्रशासन से और सरकार से और पुलिस से सबसे और मीडिया भाइयों से भी यही अनुरोध करते हैं कि हमें न्याय मिले। अच्छा सर, जिस प्रकार से ये घटना घटी है, पंचायत का क्या रुख है इसके बारे में, जो खाप पंचायतें हैं? खाप पंचायतों का जो मेरे मायने में जो एक महत्व होता है वो एक अलग है, होता है लेकिन वो चीज़ अलग है। इसमें हमारी लड़की है वो नहीं रही, आज मान लिया वो चली गई है, उस दौरान वो जो खापे जो कर रही है वो खापे अपना काम करें और प्रशासन अपना काम करे। अच्छा जी। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन अपना काम करे, न कि हमें किसी पंचायत पे, न ही किसी हमने किसी और पे कोई विश्वास नहीं है।
आप चाहते हो जिस प्रकार से हत्या हुई है दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी इसमें कोई दोषी हो उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दोस्तों देख लिया जिस प्रकार से ये हत्या हुई थी, इनके घर वालों ने यहाँ पर आज आए हैं और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और अगर दूसरा पक्ष चाहता है कि हमसे बात करें, हम दूसरे पक्ष से भी बात करेंगे। ये एक पक्ष है, इन्होंने बात रखी है, इन्होंने अपनी बात रखी है, इन्होंने कहा है कि ऐसे ऐसे उसकी हत्या की है। अगर किसी दूसरे पक्ष को दौड़दा वाले है जो दूसरा पक्ष को गलत है एक पक्ष वाला, तो हम दूसरे पक्ष की भी बात सुनेंगे, क्योंकि एक पक्ष का काम सुनना हमारा काम नहीं है। हम दोनों पक्ष की बातें सुनेंगे। हम चाहते हैं जिस प्रकार से जो ये घटना घटी है उसका सही तरीके से न्याय मिले। कोई भी इसमें जिस दोषी है इसको उसको सजा मिले। हम चाहते हैं निर्दोष किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ से विदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।